हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू विरोनिका लाइफस्टाइल। मेरा नाम है सोनाली सक्सेना एंड इस चैनल पर मैं फैशन रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट, मतलब कि ड्रेसेस शेयर करने वाली हूँ। कुछ टॉप भी है और आई थिंक टॉप है, जंप सूट है एंड ड्रेसेस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड ये वीडियो होने वाला था कुछ दिन पहले, बट यू नो सारी आइटम्स इतनी ज़्यादा डिले हो करके आई है कि मैं इसको टाइम से पोस्ट कर ही नहीं पाई। और ये इस साल की आखिरी वीडियो है, 31 दिसंबर है आज, और आज ये वीडियो जो है 31 दिसंबर को लाइव हो जाएगी। बना तो मैं पहले रही हूँ, तो लास्ट वीडियो है इस साल की एंड इसको मैं थोड़ा सा पहले बनाना चाहती थी ताकि आपके क्रिसमस एंड न्यू ईयर पे काम आ पाए, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। बट हाँ, इसको आप अपने जो है अब इन फ्यूचर जो भी आपका अगर बर्थडे आ रहा है या आपको किसी और के बर्थडे में जाना है या फिर अभी बहुत ही जल्द जो है वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, तो उसके लिए आप जो है डेफिनेटली इन आउटफिट्स को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं इनको आप लोगों के साथ ये सारे आउटफिट शेयर भी करूँगी एंड साथ ही साथ इनको स्टाइल भी करके दिखाऊंगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस आउटफिट को किस तरीके से यू नो स्टाइल करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट करते हैं न्यू मी का हॉल। सो गाइज, मेरे कुछ आउटफिट जो हैं वो ऊपर रूम में रखे हुए हैं और कुछ आउटफिट जो है अभी मेरे सामने हैं। सो मैं सारे के सारे यू नो अभी इस तरीके से आपको नहीं दिखा सकती, बट सबका मैं वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, सबको स्टाइल करके देख चुकी हूँ, तो सबका मैं अच्छे से आपको रिव्यू दूंगी और साथ ही साथ जो है उनकी जो क्लिप है वीडियो लाइक स्टाइल करते हुए वो सारे के सारे यू नो स्क्रीन पर आ जाएगी तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी आउटफिट हैं वो मुझे इस तरह की यू नो पैकेजिंग में रिसीव हुए थे। इनके अंदर जो है ये इस तरह के यू नो जिपर वाला जो है पैकेट था, जिसको आप दोबारा से ये भी यूटिलाइज भी कर सकते हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट आउटफिट जो है वो है वेलवेट की ये वाली बहुत ही ब्यूटीफुल सी मैक्सी ड्रेस, एंड ये इतनी सुंदर है, स्पेशली इसकी फिटिंग बहुत 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 अच्छी लग रही थी। एंड इसका बैग भी मुझे बहुत 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 प्यारा लगा है। यू कैन सी दैट इसका कलर कलर थोड़ा सा मुझे यू नो ब्लू कलर का है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी अलग ब्लू की थी, बट ये ब्लू अलग टाइप का आया है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन सी दैट अभी आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही ब्लू है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन एकदम डार्क वाले ब्लू की थी, आई डोंट नो क्यों थी, बट मुझे लगा था बहुत डार्क वाला ब्लू आएगा। बट हाँ, ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है एंड इसका बैक वगैरह बहुत प्यारा लगा है, तो डेफिनेटली आप इस ड्रेस को जो है खरीद सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही जल्द बर्थडे आ रहा है तो आप अपने बर्थडे के लिए ले सकते हो इस ड्रेस को, और इसको जो है आप डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी के साथ यू स्टाइल कर सकते हो। वैसे इसके साथ जो है डेंटी ज्वेलरी भी चलेगी गोल्डन कलर में, एंड इसके अलावा आप चाहें तो राइनस्टोन वाली सिल्वर टाइप की ज्वेलरी भी आप वेयर कर सकते हो, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। इट्स टोटली योर चॉइस, और आप देख ही सकते हो मैंने किस तरीके से स्टाइल किया, आप चाहें तो इस तरीके से भी ड्रेस को स्टाइल कर सकते हो। सो इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रेस है गाइज वो है, चलो मैं टॉप के बारे में बात कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट जो है वो सिल्वर कलर का टॉप है जो कि ऊपर रूम में रखा हुआ है, अभी है नहीं। और ये जो टॉप है ये वैसे तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही आया है। बट मैं पर्सनली बताऊँ तो कि मैं जो वीडियो वगैरह जैसे होती है या फिर शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ मैं, उनमें तो मैं हर तरह के कपड़े पहन लेती हूँ एंड आप लोगों के सामने जो है स्टाइल भी कर लेती हूँ, और क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ, मेरा कैमरा है, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं हर तरह के कपड़े यू नो रियल लाइफ में नहीं पहन सकती, बिकॉज मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। मैं अगर कहीं बाहर जा रही हूँ या किसी पार्टी में जा रही हूँ तो मैं डेफिनेटली मैं नहीं पहन पाऊँगी इस ये वाला टॉप, बिल्कुल भी ये मेरे काम नहीं आने वाला है, ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए काम आएगा और रियल लाइफ में मैं रियली नहीं पहनूँगी। बट अगर आप कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप खरीद सकते हो, कोई कमी नहीं है इसमें, काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको जैसे अब सर्दियों का टाइम चल रहा है, सर्दियों में ऑब्वियसली ठंड बहुत ज़्यादा होती है और इस तरह के कपड़े पहनना इतना आसान भी नहीं होता है, बट फैशन के टाइम पर हम लड़कियों को पता नहीं क्या ही हो जाता है, हम पहन ही लेते हैं। बट फिर भी आप चाहें तो अपने साथ में एक फर वाली जैकेट रख सकते हैं, उससे बेनिफिट ये होगा कि
अगर आपको ठंड लग रही है या आप चाहते हो कि जैसे आते जाते टाइम ट्रैवलिंग का टाइम है, आपको चाहिए कि आप आते जाते टाइम कुछ जैकेट वगैरह वेयर कर लो एंड वहाँ पार्टी में जाने के बाद उसको उतार दो एंड इस तरीके से, तो आप जो है फर वाली जैकेट वेयर कर सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। इस वीडियो में मैंने स्टाइल करके भी दिखाया है इसको, लेदर पैंट के साथ स्टाइल किया है टॉप को एंड साथ में ना मैंने अपनी जो है फर वाली जैकेट यू नो कोट वेयर किया जो कि अर्बैनिक का है, मैंने लास्ट ईयर लिया था। सो बहुत बहुत प्यारा लुक लग रहा है। इस तरीके से यू नो आप स्टाइल कर सकते हो इस पूरे के पूरे लुक को और बहुत ही प्यारा है। और इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पर स्टोन वाले इयररिंग्स भी पहने हैं जो कि मैंने H&M से लिए थे और ये आउट ऑफ स्टॉक है, अभी मिल नहीं रहे हैं, बट हाँ इनका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, जब भी इन फ्यूचर मिलेंगे आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। और अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉप के बारे में। सो इसके अलावा एक और टॉप है, इसके कपड़े की एक्सपेक्टेशन रियली मेरी बिल्कुल अलग थी, मुझे मतलब मेरे माइंड में कुछ अलग ही तरह का कपड़ा चल रहा था, बट ये जब आया है ये कपड़ा बिल्कुल अलग है और अच्छा है वैसे कपड़ा, मतलब ये नहीं कहूँगी कि बुरा है, रियली कपड़ा बहुत अच्छा है बिकॉज बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल में है ये कपड़ा एंड स्ट्रेचेबल वाला कपड़ा है, तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इस टॉप में आपकी। और बस एक प्रॉब्लम हो रही थी इस टॉप के साथ में, जो इसके जो नीचे लटके हुए हैं ना छोटे छोटे से राइनस्टोन लटके हुए हैं, ये ना फंस रहे थे टॉप में, अगर ये जैसे ऊपर को हो जाते अंदर की साइड या बाहर की साइड ना, तो इसकी वजह से ना कपड़ा खिंच जा रहा था, लाइक फंस करके कपड़ा ख़राब हो रहा था, तो ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लग रही थी, और तो कोई इशू नहीं था। और मुझे लग रहा था ये मेरे कहीं इसके नीचे लाइक मैं बॉटम वेयर में जो भी वेयर करूँगी उसको ख़राब ना कर दे, बट ऐसा नहीं था, बहुत ही यू नो गैप था दोनों के बीच में, तो ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा था। तो आप इस टॉप को जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर के यू नो बॉटम वेयर के साथ स्टाइल कर सकते हो, ना किसी स्कर्ट के साथ या फिर आप सिंपली डेनिम के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, बिकॉज टॉप जो है अपने आप में ही बहुत ही स्टेटमेंट पीस है, तो इसके साथ कोई इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि नीचे भी आप कोई बहुत हैवी चीज़ पहने, सिंपल चीज़ भी पहनेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। वैसे बाय द वे मैंने इस टॉप को जो है स्टाइल किया है एक स्लिट वाली लॉन्ग मैक्सी स्कर्ट के साथ, जो कि बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। आप चाहे तो इस तरह की स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकते हो और बहुत प्यारा लगेगा, तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा ये वाला लुक, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ये वाला लुक, तो आप इस तरीके से यू नो स्टाइल कर सकते हो इस पिंक टॉप को। और अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट आउटफिट की, तो मैं उठा लेती हूँ यहीं पर रखे हैं। सो गाइस इसके बाद है ये ब्लैक कलर की ड्रेस, जो कि बहुत ही हल्की फुल्की एंड बहुत ही, मतलब जब ये मैंने ऑर्डर की थी मुझे लगा था बहुत ही हैवी होगी, थोड़ा सा अंदर से कुछ अंदर से भी मतलब कुछ अच्छा सा कुछ नेट वेट कुछ लगा होगा, बट ये बिल्कुल यू नो बहुत ही पतले से कपड़े हैं, मतलब पतले से मतलब ये नहीं है कि कोई यू नो सी थ्रू है, सी थ्रू 1% भी नहीं है, बट ये बहुत ही यू नो कोई मतलब बहुत ही हल्का फुल्की है, मतलब बहुत ही लाइट वेट है, मेरा कहने का ये मतलब है कि बहुत ही लाइट वेट है और थोड़ी सी यू नो उठी उठी सी रहती है, जबकि इसमें अंदर ना कोई लाइनिंग नहीं दे रखी है, कोई और कपड़ा नहीं दे रखा, सिंपली यू कैन सी दैट इस तरीके से ये कपड़ा है, बट इसके बावजूद भी एक लाइक यू नो खुली खुली सी रहती है। और आप चाहे तो नीचे जो है ना इसके वो पहन सकते हैं, शॉर्ट्स वगैरह जैसे होती हैं आप उनको पहन सकते हो, तो आप यू नो बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे। और इसको भी ड्रेस को मैंने स्टाइल किया था यहाँ पर और मैंने बूट्स के साथ वेयर किया था, मैं इसको दो तरीके से यू नो स्टाइल कर चुकी, तो आपकी मर्जी आप जैसे भी स्टाइल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैं दोनों का जो वीडियो है वो यहाँ पर शो कर दूँगी। वैसे मैंने शॉर्ट्स में ऑलरेडी स्टाइल किया है तो वहाँ पर से भी आप यू नो देख सकते हो। और इसी साथ मैंने सिंपली ब्लैक बैग लिया है, इयररिंग्स वेयर किए हैं, सिंपल ज्वेलरी, बहुत ही प्यारा सा लुक है, बहुत ही क्यूट सा लुक है, तो आप चाहे तो बर्थडे वगैरह के लिए इस तरह का या फिर पार्टीज के लिए ले सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक है। और अगेन मैं यही कहूँगी अगर आपको उसके साथ यू नो जैकेट वगैरह वेयर करनी है तो आप फर वाली जैकेट ले सकते हो या फिर लेदर जैकेट भी वेयर कर सकते हो, दोनों ही बहुत प्यारी लगेंगी। और आप चाहे तो डेनिम भी ट्राई कर सकते हो, वो भी अच्छी लगेगी, शॉर्ट में लाइक क्रॉप में वो अच्छी लगेगी, लॉन्ग में होगी तो ऑब्वियसली वो अच्छी नहीं लगेगी, तो क्रॉप में ट्राई करना, कोट जैकेट जो भी पहन रहे हो आप क्रॉप में यू नो क्रॉप में ही देखना, क्रॉप में ही अच्छे लगेंगे इस वाली ड्रेस के साथ में। सो गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट आउटफिट है वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा जंप सूट, जो कि आया था तो मैंने पहन के देखा था एंड ऐसा लग रहा था लाइक वैसे पहनने में बहुत प्यारा है, कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, बट इसको आयरन किए बिना आप पहन नहीं सकते एंड आई एम सो सॉरी मैंने इसको ऐसे ही वेयर किया है,
ये लाइक विदाउट आयरन किया हुआ लग रहा होगा, आई नो। और इससे पहले कि आप लोग टोकिए, मैं पहले ही बता दूँ मेरी प्रेस मिल नहीं रही थी, और मिल नहीं रही थी क्या यार, बहुत दिन हो गए हैं, लाइक 15-20 दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, और वो मिल ही नहीं रही है। तो इस वजह से मैं इसको आयरन नहीं करा पाई थी, और मुझे यू नो बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने इसका शूट किया है, तो इतना टाइम था नहीं कि मैं बाहर से करवाती, इसलिए मैंने फटाफट ऐसे ही इसको स्टाइल कर लिया था। और ये बहुत 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 अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। बट ये ना लाइक इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, बिकॉज मेरी जो हाइट है वो 5 है, एंड मेरे अकॉर्डिंग इसकी हाइट बहुत ज़्यादा, लाइक हील पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसको पहले मुझे इसकी हाइट ठीक करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं इसको वेयर कर सकती हूँ। साथ में ना इसकी मुझे एक चेन भी मुझे रिसीव हुई थी, ये इस तरह की ना, ये दो चेन्स थी, इनको आपस में कनेक्ट करना था, तो कनेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, लाइक मैं समझ ही नहीं पा रही थी इसको लाइक कनेक्ट कैसे करना है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, सो मैं क्लोज में आ जाती हूँ। सो ये जो रिंग है ना फ्रंट में, ये टमी के पास दे रखा है, और इसके पास आपको जो है इसको कनेक्ट करना होता है। तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे, अगर खरीद रहे हो तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे ना खरीद रहे हो तो आप क्या करना है, इसको पहले थोड़ा सा ऐसे नीचे खिसका लेना, नीचे ऐसे करके दोनों साइड से अलग कर देना। जब इसमें ना यहाँ पर ये मेटल दिखाई देगा ना, यू कैन सी दैट, यहाँ पे मेटल दिखाई देगा, उसके बाद आप इसमें फंसाना चेन को, उसके बाद ये आराम से यू नो चेन में लग जाएगा, वरना आपको ऐसा लगेगा यार ये तो लग ही नहीं पा रहा है, और ये तो लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा ही फील हो रहा है। क्योंकि मैं जब ये लग ही नहीं रहा था ना, मैं थक गई थी 5-10 मिनट अपने लगा करके, सोचने लगा कि लगता है ये इसमें लगेगा ही नहीं, ये तो वेस्ट हो गया, चेन देना इनका बेकार हो गया। और मेरा भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि भाई चेन लग जाए, और लग ही नहीं रही है, तो फिर मेरे को लगा रही यार ये तो बेकार हो गया। तो फिर फाइनली मैंने इसको थोड़ा सा दिमाग लगा करके ऐसे पीछे को करा कपड़ा, एंड इसके मटेरियल पे लगाया, देन मेटल पर लगाया, जो भी है मेटल है स्टील है जो भी है, इस पर लगाया, देन लग गया। तो आप इसी तरीके से लगाना, आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इतना ज़्यादा यू नो पूरा का पूरा आपको एडवाइस कर रही हूँ। तो ये ड्रेस जो है गाइस बहुत प्यारी है, बट विदाउट आप आयरन मत पहनना, अच्छी नहीं लगेगी, आयरन कर लेना, एंड इसको लेने के बाद लेंथ चेक कर लेना, बिकॉज इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी है मुझे तो है। बाकी हाँ, इसको मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यू नो स्टाइल किया, गोल्डन कलर की सिंपल सी ट्रांसपेरेंट वाली हील्स वेयर की है, एंड नेक में मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस वेयर किया है, जो कि नीचे तक काफ़ी नीचे तक यू नो डीप नेक के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप ये वाला नेकलेस वेयर कर सकते हो, एंड ईयरिंग्स भी मैंने मीशो से परचेज किए, तो बहुत ही अफोर्डेबल ज्वेलरी है, एंड बहुत ही अफोर्डेबल यू नो आपका पूरा स्टाइल जो है बहुत ही अफोर्डेबल है। और आप इसे बर्थडे पर, पार्टीज पर, और अगर मैं थोड़ा सा पहले शेयर कर देती तो आप जो है नियर पर भी इसको वेयर कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, आप वैलेंटाइन डे पर भी इसको स्टाइल कर सकते हैं, आपकी अपनी खुद की चॉइस है। सो बहुत ही प्यारा आउटफिट है। इसके बाद बात करते हैं गाइस नेक्स्ट आउटफिट के बारे में, और जो नेक्स्ट आउटफिट है गाइस वो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिंक कलर की ड्रेस। मैंने एक पिंक कलर की ड्रेस भी ऑर्डर की थी, और इसमें ना यहाँ पर फर लगे हुए हैं, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं, जो कि और बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही है इस ड्रेस की भी। बस एक इशू मेरे साथ आ रहा था, वो इसलिए कि मैं बहुत ही पतली दुबली हूँ, और अगर आप थोड़े से सही हैं, हेल्दी हैं, तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं, आपके साथ ये इशू नहीं आएगा। बिकॉज वैसे तो मेरी पूरी बॉडी पे फिट आ रही थी, एकदम सही फिटिंग आ रही थी, ऐसी कोई इशू नहीं है, बट लाइक बहुत ही बॉडी हगिंग टाइप की इसकी फिटिंग नहीं थी। मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल भी है, बट बॉडी हगिंग वाली मेरी फिटिंग नहीं थी, और उसकी वजह से इशू ये आ रहा था, जो उसका नेक एरिया था ना वो बहुत ही ईजिली यू नो फॉल हो जा रहा था, लाइक मैं ऐसे झुक रही थी तो पूरे नीचे को हो जा रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था लाइक मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी कि अगर मैं इसको पहन के कहीं जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाए, या मैं झुकूँ तो पूरे ही नीचे को ना हो जाए। तो मतलब ये चीज़ का मुझे इशू बहुत ज़्यादा फील हो रहा था वीडियो बनाते टाइम। तो मुझे लगता है कि इसको बाहर पहनने के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है इसको कि मैं बाहर पहन रहा हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी के हिसाब से ना मेरे को चेस्ट एरिया पर बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट बोलेंगे इस वाले एरिया पे मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ फील हो रही थी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के लेना, अगर आप थोड़े से हेल्दी हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, और कोशिश करना एक साइज़ कम ही लो ताकि आपको ये अच्छी सी फिटिंग आए, और
बस अब क्या ही कहूँ। सो इसको भी गाइस मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यू नो स्टाइल किया है। आप इसके साथ पूरा चाहे तो फुल कॉम्बिनेशन ब्लैक का ले सकते हैं या फिर पिंक का भी ले सकते हैं, पिंक सब कुछ वेयर कीजिए, या फिर आप पर्ल में भी जा सकते हैं, पूरा का पूरा जो है पर्ल कॉम्बिनेशन की चीज़ें पहने, लाइक ज्वेलरी आपकी पर्ल में, बैग पर्ल में, आप इस तरह का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। सो बहुत ही प्यारा लगे। मैंने ऑलमोस्ट जो है इसी तरह का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है लाइक पर्ल में, बट मेरे पास जो है हील्स वगैरह ऐसी कुछ थी नहीं, पिंक कलर की ही थी तो मैंने पिंक कलर की हील्स वेयर कर ली, एंड पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा एंड बहुत ही क्यूट एस्थेटिक लग रहा था। तो आप इस तरीके से यू नो स्टाइल कर सकते हो इस ड्रेस को। सो आई होप आप लोगों को जो मेरा यू नो पूरा का पूरा हॉल है वो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कौन कौन से आउटफिट बहुत पसंद आए हैं, एंड नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर मैं आप चाहते हो कि मैं किस तरह के आउटफिट यू नो स्टाइल करके दिखाऊं, वो भी आप लोगों मुझसे जो है शेयर कर सकते हैं। सो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइज़।